आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो भाई ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारी दोनों की दोनों गोपी बहुएं हैं यानी दिवोलीना भट्टाचार्य और जिया मानेक, हम दोनों के बीच में अच्छे खासे डिफरेंसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आप तेरा मेरा साथ रहे या फिर साथ ही मेरा साथ है कि सीजन 2 जिया मानेक किसी के बहुत भी बड़े वाले फैन हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले बात करें भाई जो दोनों जो हमारी लेडीज़ हैं उनके एज की, तो भाई अगर बात करें भाई जिया मानेक 2021 के हिसाब से देखें तो भाई जिया मानेक की एज है 35 और वहीं दिवोलीना भट्टाचार्य जी 1 साल इनसे उम्र में बड़ी हैं, जो कि 36 साल की यानी 36 ईयर ओल्ड है। भाई अगर हम बात करें दोनों के रिलीजन की, तो भाई दिवोलीना भट्टाचार्य जी की अगर हम बात करें तो ये साउथ की तरफ से पड़ जाती हैं, आसामिस हिंदू है लेकिन है तो दोनों ही हिंदू। अगर हम बात करें भाई जिया मानेक की, तो भाई जिया मानेक वैसे तो गुजराती हैं और ये गुजराती हिंदू फैमिली से अच्छी खासी बिलोंग करती हैं। दोनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो पहले तो मैंने जिया मानेक के काफ़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो हमारी जिया मानेक यानी हमारी पुरानी वाली गोपी बहू हैं के बारे में हमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया। मिला तो केवल हमें दिवोलीना भट्टाचार्य के बारे में, इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा एजुकेशन किया है, क्वालिफिकेशन भी, ग्रेजुएशन भी इन्होंने अच्छे खासे कॉलेज से की और इतना इन्होंने आईटी में भी बहुत ही अच्छे खासी डिग्री ले रखी है। भरतनाट्यम की इन्होंने सेपरेट से प्रैक्टिस की थी और इतने जो हमारी जो हमारी दिवोलीना भट्टाचार्य इन्हें फैशन डिज़ाइनिंग का भी अच्छा खासा ज्ञान है। बात करें भाई जो हमारी जिया मानेक और दिवोलीना भट्टाचार्य हैं, इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ में इन्होंने काम किया, तो बात करें भाई जिया मानेक की, जिया मानेक ने सन 2010 में ना घर के ना घाट में इस मूवीज में इन्होंने डेब्यूट किया था और ये इनकी पहली मूवी आखिरी मूवी बन गई, क्योंकि इसके बाद इनको किसी भी मूवीज में नहीं देखा गया। और दिवोलीना भट्टाचार्य जी अभी भी किसी भी मूवीज में नहीं आई है, अभी तक दिवोलीना भट्टाचार्य जी को किसी भी मूवीज में नहीं देखा गया। भाई बात करें कोई अगर वेब सीरीज की बात हो तो वेब सीरीज काफ़ी सारी वेब सीरीज हैं जहाँ पर हमारे दिवोलीना भट्टाचार्य जी ने काम किया, लेकिन हमारे जिया मानेक ने किसी भी वेब सीरीज में ना काम नहीं किया। म्यूजिक एल्बम की अगर हम बात करें, तो भाई एक म्यूजिक एल्बम है जो कि दिवोलीना भट्टाचार्य जी ने जिसमें काम किया, जिया मानेक ने किसी भी म्यूजिक एल्बम में नहीं काम किया। और जिस म्यूजिक एल्बम में जो हमारी दिवोलीना भट्टाचार्य जी ने काम किया वहां पर सिंगिंग भी इन्होंने ही की है, वो थी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। आई थिंक आपने टीवी सॉन्ग बहुत ही बार सुना अगर आप दिवोलीना के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं। और इस जो इन्होंने ये सॉन्ग गाया था और जो मतलब इनके ही खुद के यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ था, इस पर अच्छे खासे व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते भाई अगर टेलीविजन के बारे में, तो भाई टेलीविजन इंडस्ट्री में 2010 में दिवोलीना भट्टाचार्य जी ने डेब्यूट किया था सवारे सबके सपने प्रीत, और इसके बाद इनको मिला सन 2012 में साथ ही माना साथ है सीजन 1। अब भाई जो ना साथ ही माना साथ है कि सीजन 1 में आने के बाद दिवोलीना भट्टाचार्य जी की एक अलग ही मतलब पहचान बन गई, जो कि इनको उनके पहले वाले टीवी सीरियल सवारे सबके सपने प्रीत इस वाले टीवी शो से नहीं मिल पाई। तो पहले भाई बात करते हैं टेलीविजन शोज के बारे में, तो भाई अगर हम बात करें दिवोलीना भट्टाचार्य जी की, तो भाई जो हमारी दिवोलीना भट्टाचार्य जी सन 2010 में सवारे सबके सपने प्रीत इस टीवी शो से इन्होंने डेब्यूट किया था, लेकिन भाई इस टीवी शो से इन्होंने कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल हुई थी। असली प्रोजेक्ट तो इनके सन 2012 में लगा, जहां पर भाई इन्होंने साथ ही माना साथ है कि जो सीजन 1 था यहां पर गोपी बहू का कैरेक्टर प्ले किया, और भाई इसके बाद तो ये घर घर में गोपी बहू के नाम से जाने जाने लगे। अब भाई जब गोपी बहू का वाला कैरेक्टर यानी टीवी शो साथ ही माना साथ ऑफ एयर चला गया, इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे टीवी शो में छोटे छोटे कैरेक्टर किए, जैसे लाल इश्क में अगर हम बात करें छोटी सरदारी इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दिया था, और भी बहुत सारे टीवी शो की लिस्ट काफी लंबी है जहां पर दिवोलीना भट्टाचार्य जी हमको नजर आई थी छोटे छोटे कैमियो रोल करती हुई। और अगर हम बात करें भाई इनको जो अगर हम साथ ही माना साथ है कि सीजन 1 के अलावा किस टीवी शो से इनको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, तो भाई वो कोई और नहीं भूगे है बिग बॉस। भाई बिग बॉस के सीजन 13 में दिवोलीना भट्टाचार्य जी आई थी, लेकिन यहां पर भी इनको अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ गया था। बिग बॉस सीजन 14 में भी आई थी, बिग बॉस सीजन 15 में भी आई थी, लेकिन एक मजे की बात यह है कि दिवोलीना भट्टाचार्य जी इतना बड़ा टीवी इंडस्ट्री का नाम बन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस सीजन 13-14 इन दोनों के दोनों सीजन में ये आई तो, लेकिन यहाँ पर ये फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाई थी। अब भाई रीजन क्या था, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। भाई बात करें आप जिया मानेक की टेलीविजन करियर के बारे में, तो भाई जिया मानेक का सबसे पहला टीवी शो ही था साथ ही माना साथ है सीजन 1। अब भाई साथ ही सीजन 1 में ना इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की थी ना, जिसके कारण से ये घर घर में भोली भाली और पुरानी गोपी बहू के नाम से जाने जाने लगी, तो भाई फैंस तो ना हर घर में गोपी गोपी के चर्चे ही होने लगे थे। इसके बाद जो दिवोलीना जो जिया मानेक है इन्होंने साथ ही माना साथ है कि सीजन 1 ड्रॉप कर दिया था। अब भाई रीजन इसका यह था कि इनको झलक लाजा में जाना था और भाई मेकर्स ने इनको कोई भी परमिशन जाने के लिए नहीं दी थी, इसीलिए इनको ये टीवी शो छोड़ना पड़ गया था। लेकिन भाई इनका ये बहुत ही ज़्यादा बैड डिसीजन था, क्योंकि भाई जिया मानेक के करियर में जो इनका पहला टीवी शो तो साथ ही माना साथ है कि सीजन 1, इसके अलावा इनके करियर में कोई सा भी अच्छा टीवी शो नहीं। गोपी बहू के अलावा इनकी जिंदगी का कोई अच्छा सा कैरेक्टर निकला था वो था जीनी और जो कि सब टीवी पर शो आता था, लेकिन भाई इनकी यहाँ पर भी सेम गलती रही, जो भी कैरेक्टर
कैरेक्टर हिट होता है इनके द्वारा, वो ये कैरेक्टर को ही ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। जैसे कि इन्होंने साथे के सीजन वन में गोपी बहू का कैरेक्टर ढील दिया था, बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी किया। और भाई जिया मानिक ने यहाँ पर भी जो जीनी का कैरेक्टर था वो भी इन्होंने ढील दिया। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो हमारी जिया मानिक की अमन मोहिनी में सन 2019 में यहाँ पर इन्होंने गोपी का कैरेक्टर किया था, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। अगर ओवरऑल हम देखें तो भाई जिया मानिक ने काफ़ी कम ही टीवी शोज किए हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी के कंपेयर में। और इसी बीच मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ जो कि है देवोलीना भट्टाचार्य जी से रिलेटेड, कि भाई देवोलीना भट्टाचार्य जी ने बहुत ही मतलब जब इन्होंने साथी बना साथा कि सीजन वन ऑफेयर हो गया था उसके बाद इन्होंने काफ़ी ऐसी सारी पिक्स शेयर कर दी थी जहाँ पर ये काफ़ी सारा अपना बोल्ड लुक दिखा रही थी। अब भाई जिसके कारण ना इनकी काफ़ी सारे जो फैंस थे वो हेट में कन्वर्ट हो गए, जिसके कारण से देवोलीना भट्टाचार्य जी को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी किया गया था। अब भाई अभी तक अगर हम देखें तो जिया मानिक ने अभी भी कोई भी अपनी ऐसी पिक्चर या फिर नहीं डाली गई जिसके कारण से उनका संस्कारी वाला लुक ना किसी और अंदाज में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए, जिसके कारण से जो हमारी जिया मानिक इनको कम ही ट्रॉल किया जाता है एज कंपेयर टू देवोलीना भट्टाचार्य जी में। अब भाई आ जाते हैं जो हमारे फॉलोअर्स की, क्योंकि आपको ये पता भाई ये 2021 का जमाना और यहाँ पर भाई फॉलोअर्स के बिना तो कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, तो भाई इंस्टाग्राम पे जिया मानिक 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, और अगर वहीं हम देखें देवोलीना भट्टाचार्य जी के तो इनके लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। वहीं अगर हम देख लें ट्विटर पर तो भाई ट्विटर पर हमारी जो जिया मानिक है इनके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 1 लाख के प्लस में हैं। और वहीं अगर हम देख लें जो हमारी देवोलीना भट्टाचार्य जी इनके 1 लाख से कम है। अगर हम देख लें बाकी फेसबुक के तो भाई फेसबुक के जो हमारी देवोलीना भट्टाचार्य जी इनके 16 मिलियन है, और वहीं अगर हम देखें जिया मानिक के तो लगभग इनके 10 मिलियन भी है। अगर यूट्यूब के बारे में बात करें तो भाई यूट्यूब पर मैंने आपको पहले ही बताया था देवोलीना भट्टाचार्य जी यूट्यूब पर एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जिया मानिक यूट्यूब पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। मजे की बात यह है कि जो देवोलीना भट्टाचार्य जी की पहली म्यूजिक एल्बम थी जो कि हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, ये जो म्यूजिक एल्बम इन्होंने अपने टीवी उसी पर डाली थी यूट्यूब चैनल पर, और इससे बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। लगभग इस पर 130 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब अभी के जो टीवी शो जो सॉन्ग आते उन पर भी इतने अच्छे खासे नहीं मिल पाते जो कि इनके एक धार्मिक गाने को मिल गए थे। तो बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा और कंपेयर करूँगा ना तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपका दोनों में से कौन सा ज़्यादा, जिया मानिक या फिर देवोलीना भट्टाचार्य जी, आपको इसको ज़्यादा पसंद करते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।